आज का मेरा ये वीडियो है स्पेशली लड़कियों के लिए, स्पेशली टीनेजर गर्ल्स के लिए जिनके ब्रेस्ट साइज पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई या फिर सेगिंग हो चुकी है। और इसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए जो कि अपने बच्चों को फीड कराते हैं और उसके बाद उनका जो ब्रेस्ट है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। गाइज, हमने अक्सर देखा है कि जब हमारे थाइस पे फैट होता है तो हम थाइस की एक्सरसाइज करते हैं, हमारा टमी बड़ा हुआ आता है तो हम टमी की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं, जिसकी वजह से जिन लड़कियों की ब्रेस्ट ग्रो नहीं होती उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। लड़कियां अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती, क्रॉप टॉप्स पहनना, टी शर्ट्स पहनना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनकी ब्रेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हुई है या बहुत ज्यादा सैगिंग है, या ज्यादातर लड़कियां उसको दुपट्टे से कवर करके रखती हैं। लेकिन आपकी बॉडी शेप को ठीक किया जा सकता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अपने आप को दूसरे से कंपेयर कभी भी ना करें, क्योंकि जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है वो और ज्यादा लो हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, अगर हम अपने बॉडी पार्ट पर ध्यान दें, हर पर्सन का फिजिक अलग होता है, हर पर्सन की बॉडी शेप अलग होती है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे, लेकिन ये सोचना कि सामने वाला इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है उसकी बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपने फिजिक को कैसे इतना खूबसूरत कर सकती हूं कि मैं लोगों के अट्रैक्शन का पार्ट बनूं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी पर खुद मेहनत करनी होगी। सिर्फ देखने से कभी भी आप अपने बॉडी फिजिक को चेंज नहीं कर सकते। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही सिंपल 4 से 5 एक्सरसाइजेस जिसको करके आप अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपसे, अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को 20 से 25 दिन तक लगातार फॉलो किया तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा अपनी बॉडी शेप में। आज ही अपनी ब्रेस्ट को मेजरमेंट करके रख लें, क्योंकि एक महीने के बाद आपको दोबारा से उसको मेजर करना है और आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ भी हम अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको सिंपल हेल्दी डाइट लेनी है, घर का बना हुआ खाना, देसी घी, दूध, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। आपको कोई भी बहुत ज्यादा अपनी डाइट में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इन सिंपल एक्सरसाइजेस को करके आप मुझे एक महीने के बाद अपने रिजल्ट शेयर करेंगे कि हमारी ब्रेस्ट साइज है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है और हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि मैं हमेशा ही अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी वीडियोस, मैं अपने वीडियोस के नीचे जब उनके कमेंट्स देखती हूँ, ज्यादातर लोगों का मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन जिनका मैं नहीं कर पाती उनके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। तो पिछले बहुत सारे दिनों में मेरे पास ये जो कमेंट्स आया है स्पेशली इसी वीडियो के लिए आया है कि आप ब्रेस्ट रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस डाल चुके हैं लेकिन ब्रेस्ट को इंक्रीज करने की आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं डाली है। इसीलिए आज का मेरा ये स्पेशल वीडियो लड़कियों के लिए है जो कि अपनी ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम निशा अरोड़ा, योर फिटनेस कोच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को अपने फेस की तरफ रखते हुए मुट्ठी को करना है बंद और अपनी एल्बोस को टच करते हुए हाथों को इस तरह से टच करते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए हाथों को फ्रंट में लाना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट साइज है वो आगे की तरफ स्क्वीज होगी। और इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 4 sets 20 रेपिटेशन। हाथों को गले के पीछे की तरफ लॉक करना है इस तरह से और अपनी कोहनियों को टच करते हुए वापस पीछे की तरफ लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 sets 20 रेपिटेशन लगाने हैं। ध्यान रखिए, जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं तो आपकी ब्रेस्ट आगे की तरफ स्क्वीज होनी चाहिए, तभी आपको शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को इस तरह से जोड़ना है नमस्ते और वापस ये पीछे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज के भी आपको 4 sets 20 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक चीज का ध्यान रखें, जिन लोगों की बैक में पेन होता है
ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बैक के पेन में आपको बहुत अच्छा खासा रिलीफ भी मिलेगा और साथ में आपकी ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज होगी। तो ये आपको इस तरह से पीछे ले जाते हुए ब्रेस्ट को आगे लाना है, देन अपने हाथों को जोड़ना है, देन बैक स्क्वीज, जॉइन योर हैंड्स। आज की हमारी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, याद रखिए गाइस बहुत शानदार रिजल्ट्स देने वाले, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। अगर इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके ब्रेस्ट की साइज की शेप बहुत ज्यादा अच्छी खासी आपको डिफरेंस दिखने वाला है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा वो जो है इंक्रीज होने वाली है और आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे वाले कमेंट्स करने वाले हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस पोजीशन में लाते हुए मुट्ठी को बंद करें और हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ 4 sets 20 repetition सभी एक्सरसाइजेस के कंप्लीट किए लगातार 15 to 20 days तक, आपको बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस आपकी ब्रेस्ट साइज में दिखाई देने लगेगा। आज की हमारी पांचवी एक्सरसाइज में अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लॉक करते हुए पीछे की तरफ लेके जाए और ब्रेस्ट को आगे की तरफ स्क्वीज करें। इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 sets 20 repetition लगाने हैं। जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपकी ब्रेस्ट आगे की तरफ मूव होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। एक्सरसाइजेस इनको फॉलो करके आप सिर्फ ना अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो बल्कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट जरूर लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप दुनिया की हर लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं जैसा कि हमेशा आपको पहले भी बोलती हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा वेट रिड्यूस किया है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं तो और बहुत सारी चीजों को वो परफॉर्म कर सकते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है तो रोज निकालिए अपने लिए 5 to 10 minutes इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कीजिए और 15 to 20 days के बाद जो है कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।